मेयेदेर जीवने रोजकार संगी हिसाबे किन्तु मेकअपटा धरा जेतेई पारे कारण अफिस होक कि कलेज सब मेयेराई किन्तु लाइट मेकअप होलेओ मेकअपटा किन्तु करे। नमस्कार आमि शर्मिला आजके एसे गेछि बिउटी कथार एपिसोड निये आर मेकअप निये जेटा बोलछिलाम मेकअपेरও किन्तु हय विभिन्न कैटेगरिज तारই মধ্যে একটা ক্যাটাগরি হলো হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক আর হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের বিউটি কথার এপিসোডে আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা পুরোটা দেখবেন কারণ আজকের ভিডিওতে আমাদের গেস্ট আশুতোষ রঞ্জন হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক আমাদেরকে টিউটোরিয়াল করে দেখাবেন। হ্যালো হাই আশুতোষ। হ্যালো হাই ওয়েলকাম টু বিউটি কথা। थैंक यू। सो आज के हमारे जेटा टॉपिक रहे जे हाई फैशन मेकअप लुक तो हाई फैशन मेकअप लुक नहीं जो आगे कथा बोलते शुरू करी ताहले अनेक किछु रयेछे किन्तु तार आगे आमि चाइबो आमादेर दर्शकदेर तुमी बोलो हाई फैशन मेकअप लुक बेसिकली की। ओके तो हाई फैशन मेकअप लुक जो रहता है ये बेसिकली अभी से नहीं बहुत पुराने टाइम से ही चल रहा है। मिश्र वासियों से स्टार्ट हुआ है हाई फैशन मेकअप लुक और इसको अभी ज़्यादातर फ़ोटोशूट्स और या कोई भी शूटिंग्स वगैरह के लिए बेसिकली ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है हाई फैशन को। और इसका स्टार्ट किए थे एक पोलैंड के एक मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। जो उन्होंने जब अपने जॉब से जब रिटायरमेंट के एज में आए तो वो जब अपने स्टूडियो पे बैक हुए अपने होम टाउन पे तो उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री को हाई फैशन मतलब कुछ यूनिक करके उनको दिखाना था कि दे वांट कि मतलब कुछ यूनिक करके देखते नॉर्मल तो सब कोई देख रहे हैं। तो उन्होंने एक उसके ऊपर एक फिल्म शूट किया जिसमें हाई फैशन का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ एंड उसके बाद जा कर के उन्होंने सोचा कि अब मेरा एक लुक्स से तो बहुत ज़्यादा इनकम हुआ तो उन्होंने सेकंड स्टेप लिया। उन्होंने खुद का इंडस्ट्री ब्यूटी इंडस्ट्री स्टार्ट किया हाई फैशन पे और उन्होंने फर्स्ट अपना ये स्टार्ट कर दिया वहाँ पे पोलैंड में। ओके सो की धरनेर लुक्स हाई फैशन मेकअप लुकर मध्य इनक्लूड होते पारे लाइक उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक रहता है कि सब चीज़ उसमें ओवर दिखाना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको उसमें अपना टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना पड़ता है एंड क्या क्या उसमें अपना क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो। इसमें बहुत सारे जैसे हाई फैशन में भी कैटेगरीज है जैसे एक होता है एडिटोरियल हाई फैशन मेकअप लुक फिर एक ड्रामेस्टिक हाई फैशन लुक। तो एडिटोरियल में होता है कि उतना हाई फैशन नहीं उसमें नॉर्मल कैट आई लाइनर रहता है एंड सब चीज़ उसमें रहता है एंड जाके ड्रामेस्टिक में रहता है कि आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो। और एक होता है क्रिएटिविटी हाई फैशन मेकअप लुक तो क्रिएटिविटी में वॉट एवर यूर थिंकिंग जो भी आपका क्रिएटिविटी है वो आप उसमें शो कर सकते कुछ भी ओवर कर सकते हैं कुछ भी आप उसमें क्रिएटिविटी अपना डाल सकते कुछ भी अलग अलग ये नहीं कि उसने ऐसे किया तो हमको भी वैसे करना वो नहीं आप अपना क्रिएटिविटी उसमें दिखाना है। मैंने स्टोन्स दिए अनेके आई मेकअप करे बा बटरफ्लाई आई मेकअप সেগুলো কি আমরা হাই ফ্যাশন মেকআপ লুকের মধ্যে বলতে পারি। ज्यादातर बेसिकली होता है कि लाइनर का वर्क ज्यादा होता है वो हाई फैशन सारे पॉप आउट रहते हैं ये सारे बोल्ड रहते हैं उसमें ज्यादातर ब्लशर कंटूरिंग वो सब लेयरिंग में होता है हेवी होता है एंड लिप्स वगैरह भी थोड़ा पॉप आउट करके दिखाने का कोशिश किया जाता है जिसके कारण मतलब जो मॉडल रहती है या जो भी एक्टर या एक्ट्रेस रहती है वो बोल्ड दिखे एकदम शार्पली दिखे वो इसका मेन। सो ধরো যারা নিজেরা হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক বাড়িতে ক্রিয়েট করতে চায় বা করা স্টার্ট করতে পারে তাদের বেসিক কি কি স্টেপস মাথায় রাখা উচিত? उनको सबसे पहले तो वो नोटिस करना है कि मॉडल का फेस चीजल रहना चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं अगर हाई फैशन अपने पर्सनल फोटोशूट्स के लिए तो उनको चीजल फेस चाहिए एंड उसके बाद उनको ना कॉन्टोरिंग एंड ब्लश जो रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो वो लाइनर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए ऑलवेज लुक अपवर्ड मतलब शार्प रहना चाहिए ये सारे पोर्शन आपका ऐसे शार्प रहना चाहिए देन वो थोड़ा हाई फैशन की तरफ दिखेगा बोल्ड लगना चाहिए उन्हें। मैंने बेस मेकअप जेटा फाउंडेशन बोलो बा कॉम्पैक्ट बा ब्लश সেগুলো সব সুন্দর টুয়ার্ডস আপ দিতে হবে রাইট যাতে শার্প লাগে মানে সেটা কি মেন বেসিক যেটা জানা দরকার। ওকে আজকে যেহেতু তুমি আমাদেরকে একটা মেকআপ লুক করে দেখাবে তুমি এনেছো সাথে মডেল আর তোমার সামনে এখানে অলরেডি প্রচুর মেকআপস রয়েছে তো আশুতোষ আমাদেরকে আজকে একটা মেকআপ লুক করে দেখাবে কিন্তু তার আগে আমাদের দর্শকদের তোমার কাছে কিছু প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো আমরা একে একে শুনবো তারপর তুমি আমাদেরকে মেকআপ টিউটোরিয়ালটা করে দেখাবে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক। আমার নাম ঋত্বিকা ভর আমার একটা প্রশ্ন আছে कौन धरने मेकअप लुक के हमारे हाई फैशन मेकअप लुक बोलते पड़ी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको उसमें सारी चीज़ बोल्ड दिखाना है उसमें एक ट्यूटोरियल रहता है कि उसमें लाइनर का यूज़ बहुत कम होता है उसमें रहता है कि आप अपने शेडो पैलेट से आप कैसे लाइनर लगाते हो ट्रिक्स वगैरह कि आप कैसे अपने शेडो पैलेट से लाइनर लगा रहे हो अपने मतलब कुछ कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें अपना दिखा रहे हो वो रहता है ओरिजिनल। তাহলে আপনি শুনে নিলেন আমরা কোনটাকে হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক বলতে পারি। এবার আমাদের যিনি দ্বিতীয় দর্শক রয়েছেন উনি কি বলছেন আমরা একটু শুনে নেব। হাই, আমি পিয়াশি। তো আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই যে এভরিডে আমাদের মতন লাইক অফিস গোয়ার্স বা ইয়াংস্টার্সদের হাই ফ্যাশন লুকস ক্রিয়েট করার জন্য কি লাইক হোয়াট উই নিড টু ডু। डेली बेसिस पे कोई अगर पर्सनल कोई मतलब मैं खुद के लिए अगर डेली बेसिस पे हाई फैशन लुक करूँ, अपने आप को चीज़ें करूँ, तो उनमें उनको उतना ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वो हाई फैशन बेसिकली रहता है फोटोशूट्स एंड कोई शूटिंग्स के लिए। वो नॉर्मल कोई अपने पार्टी या कहीं पे भी करके नहीं जा सकते। अगर उनको करने का मन है तो वो लाइनर में कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ब्लशर थोड़ा हार्श दिखा सकते, कॉन्टूरिंग जो पोजिशन रहता है उसको थोड़ा हार्श करके दिखा सकते। तो वो सारे अगर डेली बेसिस में अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है कि मैं हाई फैशन लुक ही हमेशा क्रिएट करके चलूँ, तो वो वैसा कर सकते हैं। हाँ, मैंने जेटा तुम्हें एकमात्र बोलले যে আইজ সবসময় টুয়ার্ডস আপনার রাখতে হবে, লাইনারটা আর লিপস্টিক বোল্ড। অনেকে তো এটা ডেইলি আমরা যখন যাতায়াত করি রাস্তায় তখন কিন্তু অনেকে দেখতে পাই যে একটু বোল্ড মেকআপ করতে পছন্দ করে, সেগুলোকে আমরা হাই ফ্যাশন ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি। अच्छा, সেগুলো হাই ফ্যাশন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে আর সেগুলোর জন্য এই স্টেপস গুলো মাথায় রাখা উচিত। फर्स्ट कैटेगरी में आएगा तो हाई फैशन भी बहुत सारे कैटेगरी में बटा हुआ है। तो पहला ये नॉर्मल हाई फैशन लुक आएगा, फिर उसके बाद जो एडिटोरियल हाई फैशन आता है, फिर ड्रामेस्टिक हाई फैशन आता है, फिर जाकर के आपका होता है क्रिएटिव हाई फैशन लुक। तो वो सब। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে গেলেন। এবার বেশি দেরি করব না আশুতোষ, আমরা আমাদের মেকআপ টিউটোরিয়াল আজকে দেখে নেব। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাইবো যে তুমি কোন মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করবে আজকে। আমি নরমাল হাই ফ্যাশন লুক ক্রিয়েট করব। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले कोई भी मेकअप करने के लिए, ना ही सिर्फ एडिटोरियल, कोई भी आप मेकअप करो तो सबसे पहले आपको स्किन को प्रेप करना पड़ता है बिफोर मेकअप। पहले सबसे पहले आपकी जो भी क्लाइंट आए या जिसके ऊपर आप मेकअप कर रहे हो, तो उसको सबसे पहले फेस को कहीं से भी वो आ रही है तो सबसे पहले उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वेट वाइप्स लिया है और उससे उसको क्लीन कर रहा है। उसको अच्छे से क्लीन करना है कि कोई भी प्रोडक्ट या डस्ट उनके फेस पे ना रहे। एंड इसके बाद हम इनके ऊपर सीटीएम यूज़ करेंगे। प्राइमर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। प्राइमर अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिक रखना है तो उसके लिए आप प्राइमर यूज़ करिएगा। अगर प्राइमर आप डेली बेसिस पर अगर यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो टोनर जब भी यूज़ करें आप तो कॉटन ले लें। कॉटन में उनको थोड़ा किसी का स्प्रे बोतल रहता है तो आप स्प्रे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड टोनर थोड़ा सा हार्श रहता है तो बी केयरफुल दैट कि आप उसको आईज़ पे ना लगाएं, और जो जो सेंसिटिव एरियाज़ है उस जगह पे आपको टोनर नहीं लगाना है। तो आप नॉर्मली उनको टोनर का क्या रहता है प्लेसमेंट, टैप टैप ऑलवेज, जब भी आप अप्लाई करो तो टैप टैप करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के अंदर तक ये ईजिली चला जाए। तो मैंने टोनर भी लगा दिया। अब मैं इन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया। नाउ मैं अब इनका आईज मेकअप स्टार्ट करूँगा। और मेकअप सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इनका आईब्रो बनाएंगे। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करें तो कभी भी ऐसे ऐसे रफ करके नहीं ब्लेंड करना है। आपको ऑलवेज टैप टैप प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मैं इस पर आई शैडो अप्लाई कर रहा हूँ। तो सब मैं जब भी स्टार्ट करूँगा तो उसको मैं हाई फैशन या कोई भी मेकअप में तो हमको ध्यान देना है कि हम कौन सा लुक कर रहे हैं। तो इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर दोनों, अगर आप कोई भी ब्राइडल कर रहे हैं तो आपको याद कर मतलब देखना है कि आप फुल कट क्रीज कर रहे हो, हाफ कट क्रीज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे। और हमेशा आइज़ मेकअप जब भी स्टार्ट करिए तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि आइज़ को आमंड शेप में करके करना है, और क्योंकि हमारा आँख आमंड शेप के तरह ही रहता है, तो उसको उसी तरह करना है, ना ज़्यादा लेंदी करना है ना ज़्यादा उसको बढ़ा के करना है। तो हम जब भी करेंगे आई मेकअप तो ये क्रीज़ लाइन को हमेशा नोटिस पे अपने दिमाग में रखना है कि ये क्रीज़ लाइन को ही मेंटेन करते हुए हमको चलना है। तो मैंने अभी उस आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है। इसमें अब ज़्यादा वर्क नहीं है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ब्लैक ड्रेसेस है तो थोड़ा ड्रैग लुक करके ड्रैग हाई फैशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इनके थोड़े से फेस पे जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक स्किन है इनका थोड़ा सा, तो मैंने इस सारे स्किन को बेस करने से पहले कलर कैरेक्टर से कवर अप किया है क्योंकि ये सारी चीज़ विजिबल ना हो, और ये सारी चीज़ को मैंने कवर किया है। उसके बाद मैं इनके स्किन टोन से एक्चुअल जो इनका स्किन टोन है उससे मैं फाउंडेशन लगाने वाला हूँ। अगर आपको पता करना है कि इनका एक्चुअल शेड क्या है तो जब भी आप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लेते हैं तो 2-3 जगह से चेक किया जाता है। पहला तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ इनका एक्चुअल स्किन टोन का है या नहीं, और फिर एक यहाँ का, यहाँ पे भी आप लगा करके चेक कर सकते हो कि ये आपका एक्चुअल शेड है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर आपको पता चल रहा है तो ये आपका एक्चुअल शेड है, तो उसके बाद आप अपना फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं कॉन्टोरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको कॉन्टोर करना है, अगर आपके मॉडल का फेस छोटा है और उसको बड़ा करना है तो आपको ये जो आई लीड है ना, आई लीड के स्ट्रेट तक आपको कॉन्टोरिंग लाइन को लाना है। अगर आपकी मॉडल का फेस बड़ा है तो उसको छोटा करना है, तो यहाँ से ये जो एयर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के ये जो आपका आईब्रो का लास्ट पॉइंट है वहाँ तक आपको लाना है, लाइक ऐसे। सेम इधर भी वही करेंगे हम। फिर यहाँ फोरहेड पे कॉन्टूरिंग करेंगे। और कॉन्टूरिंग अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट कॉन्टूरिंग यहाँ पे होगा, आपके कान के नीचे से लेकर के ये यहाँ तक। सेम इधर भी वही होगा। और नोज का कॉन्टूरिंग ऐसे होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। अब मैं हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। अब हम लोग लिप्स करेंगे, तो जब भी लिप्स करेंगे तो पहले सबसे पहले आउटलाइन करेंगे। उसका आउटलाइन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा आउटलाइन लो और कैसे करो। तो सबसे पहले मतलब अभी ट्रेंडिंग लिप्स कलर में चल रहा है न्यूड कलर्स। अब अगर अभी ट्रेंडिंग में अगर आप जाओगे तो अभी सब कोई ज़्यादातर डिमांड करते हैं न्यूड लिप्स का, न्यूड मेकअप का। उतना हैवी मेकअप आजकल कोई भी नहीं करवा रहा। आजकल जिसको भी देखिए, सेलिब्रिटी देखिए, सब कोई देखिए, तो सब कोई न्यूड मेकअप ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिप लाइनिंग करेंगे। अब इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाएंगे। अगर इसी में आपको स्टोन लगाने का मन है तो आप स्टोन वर्क भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप ऐसे भी नॉर्मली छोड़ सकते हो। मैं थोड़ा सा स्टोन वर्क कर रहा हूँ इसमें। तो ये रहा हमारा हाई फैशन ड्रैग लुक, जिसमें हमने हेयर पे ज़्यादा उतना वर्क नहीं किया है और मैंने इसको ब्लैक स्मोकी टाइप का लुक दिया है थोड़ा आइज़ में। एंड मैंने बहुत ही कम स्टोन वर्क किया है, नहीं तो हाई फैशन ड्रामस्टिक हाई फैशन में और क्रिएटिविटी हाई फैशन में बहुत ही ज़्यादा स्टोन वर्क दिखाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा और भी इससे ज़्यादा हैवी आई लुक रहता है, जो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बहुत ही नॉर्मल टाइप का हाई फैशन करके दिखाया है एंड बहुत ही कम स्टोन यूज़ किया है। आशुतोष भीषण ही सुंदर হয়েছে, ভীষণ কম মেকআপ প্রোডাক্টসে একটা ভীষণ লাইট বেসে একটা খুব সুন্দর লুক ক্রিয়েট করেছো তুমি। বেশ সুন্দর কিন্তু একটা লুক ক্রিয়েট করেছে আশুতোষ, হাই ফ্যাশন মেকআপ লুক। আপনারা পুরো টিউটোরিয়ালটা দেখলেন, আর যারা নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালটা দেখে নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ আশুতোষ, থ্যাংক ইউ। আর এরকম আরও অনেক বিউটি কথার এপিসোড দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আমাদের জিও বাংলার পর্দায় প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টে। নমস্কার।